नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली जो कमेंट किए गए हैं एक दो दिन में उनके रिप्लाई देख लेते हैं। आप लोग वीडियो देखें लास्ट तक, हो सकता है वही कमेंट वही सवाल आपका हो तो आपको भी जवाब मिल जाए। काफ़ी सारे पोस्ट वगैरह का भी कम्युनिटी में जो मैं पोस्ट डालता हूँ उसकी भी कमेंट हो सकती है। बाकी नॉर्मली वीडियोज़ पर जो कमेंट किए हैं एक दो दिन में उनके रिप्लाई देखते हैं। इंटर्नशिप कार्य बदलने वाली वीडियो डाली थी मैंने, उस पर कमेंट किया मुझे भी चेंज करवाना है इसका, आप बंद करो। तो वो चेंज करवाने के लिए आप जिला रोजगार कार्यालय जाएं, वहाँ पर चेंज हो जाती है। आपका कोई प्रॉब्लम है दूर आया या फिर आपको विभाग चेंज करवाना है, आप नहीं जा सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है वाजिब होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई कि इसलिए चेंज करवा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर तो जाना पड़ रहा है, तो फिर वो नहीं करेंगे आपका। लेकिन रीज़न ऐसा है कि हमारा 30 किलोमीटर दूर इंटर्नशिप मिली है, हम कैसे जा सकते हैं। तो ये चीज़ आप उनको समझाएं कार्यालय जाकर, तो वो लोग चेंज कर देंगे। अगर नहीं करें तो आप लोग कलेक्टर के पास जाकर रिक्वेस्ट करें, एप्लीकेशन दें, वहाँ से वो कॉल कर देंगे, तब चेंज हो जाएगी। ये प्रोसेस मैं बता नहीं रहा हूँ, ऐसा हुआ है, ठीक है। ऐसे लोगों ने करवाया चेंज, तो आप लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये तो पोस्ट थी जनजाति सहारी है, तो उसमें ठीक है, जनजाति जाट जाति है, सहारी जनजाति है, ठीक है। हेलो सर, जालौर में ज्वाइनिंग का मैसेज कब तक आएगा? देखो, हर ज़िले में मैसेज आ गए हैं, ट्रेनिंग वाला सिस्टम अलग है। ट्रेनिंग का भी बताऊंगा, उसके भी कॉल आने लग गए हैं कई ज़िलों में, जहां पर कोर्स तैयार कर दिए गए हैं सिस्टम, जिनको ट्रेनिंग करवानी थी महीने की। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंटर्नशिप का मैसेज नहीं आया है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कुछ लोगों ने मैसेज किया मेरे को कि भाई हमारा मैसेज फरवरी में आ गया था कि 7 दिन में ये ज्वाइन करें, लेकिन हमारी सिम बंद थी तो ध्यान आया, मैंने सिम चालू की, तब वो मैसेज मिला। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। आपने भत्ते के फॉर्म में जो नंबर रजिस्टर्ड करवा रखा है, हो सकता है वो नंबर आपका बंद हो या फिर उस पर मैसेज नहीं पहुंच पा रहा हो, तो आप तक ये जानकारी नहीं पहुंची हो, इंटर्नशिप अलॉट हो गई हो, या फिर किसी टेक्निकल इश्यू कारण आपके पास मैसेज नहीं पहुँचा हो। तो आप लोग जिला रोजगार कार्यालय एक बार संपर्क करें कॉल करके, नंबर आपको इम्पोर्टेंट प्लस वेबसाइट पर दिए हुए हैं। वैसे मैं एक अलग वीडियो बना के अगली वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर भी चर्चा करूँगा। तो ज्वाइनिंग का मैसेज नहीं आया, एक बार तो आप SSOID में खोल के देख लें। ज्वाइनिंग डिटेल्स में वहाँ पर आपका एक डिपार्टमेंट लिखा रहता है, ज्वाइनिंग डिटेल्स वाले ऑप्शन में जाएंगे SSO में, तो वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है, उसमें लिखा रहता है आपको जो विभाग इंटर्नशिप के लिए मिला होता है। फरवरी का पेमेंट का क्या होगा? इंटर्नशिप मैसेज मार्च में आया है, कह नहीं सकते अभी फरवरी का। मेरे अकॉर्डिंग फरवरी का भत्ता आना चाहिए, जिनको जिन्होंने मार्च में ज्वाइन किया या फिर फरवरी लास्ट में किया, उनका फरवरी का पूरा पेमेंट आना चाहिए। बाकी बिल पास होने पर पता चलेगा होली के बाद। अलवर का जनवरी का पेमेंट कब आएगा? देखो, अलवर का पेमेंट आ गया, मतलब काफ़ी लोगों का, कई ज़िलों में ऐसा हो रहा है। नागौर वालों ने एक कमेंट किया था, अभी बताऊंगा आपको, कि गलत इन्फॉर्मेशन मत दो, पेमेंट नहीं आया। भाई मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया है आपको, रिसेंटली जो पेमेंट आया 16 को, वो 12 का आया है जनवरी का। तो ज़िलों के पेमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन सभी का एक साथ नहीं किया जा रहा है। पहले बहुत अच्छा सिस्टम था भत्ते का, सभी का भत्ता एक साथ आता था, मैं 1.5-2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद से फिर 2 बार में आने लग गया भत्ता, 2-3 बार में, और अब तो ऐसा हो रहा है कि हो सकता है एक ही जगह का 10-10 बार भत्ता है, एक ही महीने का 10 भागों में डिवाइड करके भत्ता है। उसके रीज़न है बहुत सारे, ठीक है। तो हो सकता है आपके ज़िले में जनवरी का भत्ता अन्य लोगों का आ गया हो लेकिन आपका नहीं आया हो, तो आप लोग वेट करें, भत्ता सभी का आ जाएगा। बाकी आप जिला रोजगार कार्यालय कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आपका भत्ता नहीं आया, बिल में प्रॉब्लम है, तो 181 पर शिकायत भी करें, ठीक है। शिकायत करने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है कि भाई कोई दिक्कत हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो भी आपका जवाब होगा वो आपको दे दिया जाएगा। फरवरी का भत्ता भाई ये तो मार्च अप्रैल में ही संभव है, अभी तो नहीं। अलवर का जनवरी का पेमेंट कब आएगा? बता दिया। पाली के भत्ता पास हुए 15 दिन हो चुके, कब आएगा? देखिए, जो ज़िले बचे हुए हैं उनका बिल पास हुए काफ़ी दिन ही हो गए, 10 से ज़्यादा दिन ही हो गए सबके बिल पास हुए, क्योंकि कंप्लीट जनवरी के बिल पास हो चुके हैं सब लोगों के, सब ज़िलों के, तो उनके भत्ते ही बाकी हैं। और डेली 1-2 जिलों के पेमेंट किए जाते थे, अब होली आ गई, इसके बाद पेमेंट किए जाएंगे, ठीक है। तो इस वीक से नेक्स्ट वीक में मानो पेमेंट ज़्यादा किए जाएंगे, इसमें तो होली वोली पड़ गई, फिर शनिवार रविवार तो पेमेंट नहीं होंगे, तो नेक्स्ट वीक ही मानो मोस्टली जिसमें पेमेंट आएंगे सब ज़िलों के, टेंशन मत। इंटर्नशिप नहीं मिली, सहमति तो कब की दे दी, क्या करें? सहमति आपने दे दी तो इंटर्नशिप मिल जानी चाहिए थी, अगर आपको फॉर्म अप्रूव्ड है तो। आप लोग जिला रोजगार कार्यालय कॉल करें। देखिए, कई लोग थे, आपकी जो प्रॉब्लम है ना, मैं वो बता रहा हूँ जो हुआ है। आपकी तरह लोग थे जिनको इंटर्नशिप नहीं मिली थी, यस कर दिया उन्होंने, सहमति दे दी, तो उन्होंने जैसे जिला रोजगार कार्यालय कॉल किया तो वहाँ पर उन्होंने चेक किया कि आपका फॉर्म सही है नहीं, टेक्निकल कोर्स डिटेल वेरीफाई कर दी, तुरंत ही आपको इंटर्नशिप का मैसेज आ जाएगा। इस तरह से किया जा रहा है। सर, मैं OBC BPL में आ रहा हूँ, तो मेरी स्कॉलरशिप, यार BPL में तो आ जानी चाहिए थी आपकी, 5 मंथ हो चुके हैं, अप्रूव्ड है 5 मंथ, अप्रूव हो गए फिर तो आनी चाहिए थी।
4% से कम का हमें क्या करूँ यार, ये मैं थोड़ा मिस हो रहा है। बाकी BPL वालों की तो स्कॉलरशिप आ जाती है। आप लोग DLO से कॉन्टैक्ट करें एक बार, आपके ज़िले का जो भी DLO, मैंने इम्पोर्टेंट प्लस वेबसाइट पर एक बार DLO के कॉन्टैक्ट नंबर डाले थे सभी ज़िलों के, आप लोग जाकर देख सकते हैं वहाँ पर पुरानी पोस्ट में, या फिर आप व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज करें वहाँ पर बताएं। सर मैंने डिस्पेंस नंबर नहीं डाले, ये कहाँ से मिलेगा? देखिए, एक जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि डिस्पैच नंबर नहीं डालने पर मना नहीं किया जाएगा, ऐसा किसी कार्यालय का नोटिफिकेशन था। डिस्पैच नंबर मैंने इसके बारे में बताया था कि एक जावक रजिस्टर है, डिस्पैच रजिस्टर होता है हर कार्यालय में। जब आपको एक प्रमाण पत्र बनवाते हो तो ऑफिस वाले वहाँ पर लिख लेते हैं भाई ये प्रमाण पत्र बनाया, उसका नंबर होता है। मान लो वो डिपार्टमेंट अब तक 150 प्रमाण पत्र बना चुका, आपका 151वां नंबर था या 170वां था, 178वां था, तो वो नंबर डाल देते हैं। उसमें क्या रिकॉर्ड रहता है, कभी फ्यूचर में पूछें कि भाई आपने यहाँ से इंटर्नशिप प्रमाण पत्र बनाया था, अब बता सकते हैं आपका रजिस्टर, तो वहाँ पर आपकी डिटेल रहती है कि हाँ इस नंबर पर हमने ये प्रमाण पत्र बनाया था। तो ये वो कार्यालय वाले देते हैं जहाँ से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास ऑब्जेक्शन आ जाएगा, आप लोग जिन्होंने नहीं डाला है गलती होगी तो वापस से आप सही कर दें। जयपुर कार्यालय नंबर सेंड करो भाई, इंपॉर्टेंट वेबसाइट पर मैंने जो भी संभव नंबर थे वो डाल दिए, वहाँ पर जो इंटर्नशिप के टाइम मैसेज आ रहे थे उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी जा रही थी, उनके भी स्क्रीनशॉट मैंने डाले हैं, दोनों तरह से आप देख सकते हैं। वेबसाइट को ढंग से विजिट करें, या फिर अब नहीं मिले तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। सर मेरा बेरोजगार भत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, क्या इसकी साइट बंद कर दी क्या? नहीं, अच्छा ऐसा हो गया क्या? वैसे तो देखो नया जो सिस्टम था भत्ते का मैंने पहले बताया था, उसमें यह था कि जनवरी से आपका जो नया फॉर्म है उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मई जून जुलाई में 3 महीने ही अप्लाई कर सकते हैं नया फॉर्म। लेकिन फिर भी जनवरी फरवरी में ये फॉर्म का प्रोसेस चला था, फॉर्म भरे जा रहे थे, काफ़ी ने भरे हैं। अब ये कैसा हो रहा है, मैंने फॉर्म कोई भरा नहीं है तो मैंने देखा भी नहीं, हो सकता है अब साइट बंद कर दी हो। आप लोग व्हाट्सएप पर मेरे से संपर्क करें भाई, सर मैंने फरवरी की इंटर्नशिप कर ली, इंटर्नशिप जमा करा दी पर SSO पर नहीं किया, बता जाएगा तो भाई वो बनवा कर SSO पर भी अपलोड करो, वहाँ पर ज़रूरी है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। SSO में अपलोड करो जो भी आपकी डिटेल्स मांग रहा है SSO में, ऑनलाइन करना सारी चीज़ ज़रूरी है। सर जी मेरा अटेंडेंस पर जनवरी फरवरी को ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, अपलोड ही नहीं हो रहा है। आप इंटर्नशिप कर रहे हो क्या भाई या नहीं कर रहे हो? इंटर्नशिप आपको अलॉट नहीं हुई तो क्यों शो करेगा? और आप ज्वाइन कर लिए कर रहे हो इंटर्नशिप फिर भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो आप लोग जिला रोजगार कार्यालय कॉल करें, ठीक है, वो आपको बता देंगे, या मतलब आपका ऑप्शन चालू कर देंगे तुरंत कॉल करने पर। सर मेरी SSID पर अटेंडेंस के ऑप्शन में माँ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अपलोड नहीं हो रहा है? अपलोड तो हो रहे हैं भाई, बहुत सारे लोगों ने किए, आपसे क्यों नहीं हो रहा है? करके देखो दूसरे ब्राउज़र में, लैपटॉप में करके देखो, आपके हो सकता है उसी ब्राउज़र में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी कई बार आ जाती है। सीकर जिले का जनवरी का पेमेंट भी शो हो रहा है, शो नहीं हो रहा है, SSID और सभी का हो रहा है। हाँ ऐसे कई ज़िलों में आप लोग शिकायत करें, कार्यालय संपर्क करें, ठीक है। आपके पर्सनली रजिस्ट्रेशन नंबर आप बताओगे उस पर वो डिटेल से देखेंगे कार्यालय में, फिर आपको बता देंगे कि आपका जो भत्ता है वो बिल पास हो जाएगा, आपके साथ औरों का भी रह रहा है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और 181 पर कॉल करके ज़रूर शिकायत करें आप लोग, सर मेरा भत्ते की इंटर्नशिप को ज्वाइनिंग लेटर नहीं ओपन हो रहा है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं ओपन हो रहा है मतलब ऑप्शन नहीं ओपन हो रहा है, तो आप कार्यालय कॉल करें तुरंत चालू हो जाएगा ऑप्शन। सर फॉर्म 2020 में लगाया था, अप्रूव हो गया, भत्ता नहीं मिला, आयु 35 को हो गई तो क्या भत्ता नहीं मिलेगा भाई? 35+ तो किसी को नहीं मिल सकता है, अप्रूव होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब अप्रूव होने की डेट का फ़र्क पड़ता है, आपको 35 से ऊपर भत्ता नहीं मिलेगा, बात खत्म। अगर आप 35 के हो गए ना तो कभी भी वेरीफाई हुआ हो, कभी अप्लाई किया हो, कभी अप्रूव हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 35 साल के जिस दिन हो गए उस दिन से आपको भत्ता बंद हो जाएगा। सरपंच के साइन करा के अपलोड कर दिया, अब क्या करें? देखो अब क्या करें, वैसे तो वीडियो के साइन चाहिए, ऑब्जेक्शन आ जाएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप वापस से अपलोड कर देना। सर मेरा फेब के अटेंडेंस लेटर लगाना और फेब ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो क्या आ रहा है भाई? जनवरी आ रहा है, आना चाहिए फरवरी तो आपको ऑप्शन, फरवरी का आपने पहले कर दिया हुआ है तो सबमिट दिखा रहा होगा ना, इनका स्टॉप हो गया हो। अगर आपकी गलती नहीं थी स्टॉप हो गया तो आप लोग शिकायत करें कलेक्टर के पास, चालू हो जाएगा। बूंदी का कहाँ है पेमेंट? आ गया भाई आधे लोगों का, नागौर का भी ऐसा हुआ था, आंगनवाड़ी महिला के सिग्नेचर किसके होंगे? वहाँ पर साइन की मोहर की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग सिग्नेचर करा के डाल दें और क्या कर सकते हैं, वहाँ पर किसी की मोहर नहीं, या फिर आंगनवाड़ी वाली जो है उनके उच्च अधिकारी किसी के भी अगर मोहर हो तो आप वो लगा दें। कई तो ऐसी जगह हैं आंगनवाड़ी जहाँ पर मोहर हैं, ठीक है, मैंने देखी थी, बाल परियोजना अधिकारी ऐसी कुछ योजनाओं के उस अधिकारी के साइन मोहर चल जाती है, जहाँ की मोहर नहीं है तो आप लोग नीचे आंगनवाड़ी वाली के जो हेड है वहाँ का उसका नंबर रख दें, मोबाइल नंबर ये, ताकि जिला रोजगार कार्यालय वाले वहाँ से कन्फर्म कर सकें कॉल करके कि हाँ आप लोगों ने बनाया है प्रमाण पत्र। फरवरी का पेमेंट आएगा क्या स्कूल अलाउंस में? फरवरी का आना चाहिए भाई, वही तो बता रहा हूँ मैं, अगर फरवरी का नहीं क्यों नहीं आएगा, इसका मतलब जनवरी का भी नहीं आना चाहिए था किसी का,
तो फरवरी का भी आएगा क्योंकि प्रोसेस ही लेट हो रही है, इसमें कोई बंदा क्या कर सकता है। अरे मैं भी कमेंट करो लास्ट वीडियो में कि न्यू फॉर्म कब अप्रूव होंगे। न्यू फॉर्म भाई इसी महीने में अप्रूव होंगे, बहुत सारे फॉर्म इस महीने के शुरू में होने थे लेकिन नहीं हुए, पता नहीं क्या चाल है इस डिपार्टमेंट की, लेकिन अप्रूव होने चाहिए इस महीने। ठीक है, मुझे लगता है 2020 के हो जाएंगे, 2021 के भी जनवरी को हो सकते हैं फॉर्म अप्रूव, इतना लंबा खींचेंगे नहीं वो। बाकी आप लोग कुछ 2-4-5 शिकायत 181 पर कॉल करके अप्रूव होने वाले की करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जो जो फॉर्म वेरीफाइड पड़े हैं वो लोग कॉल कर दें एक बार 181 पे कि सर नए फॉर्म अप्रूव क्यों नहीं कर रहे हैं, हर महीने फॉर्म अप्रूव होने चाहिए। सर मेरा फॉर्म 15 दिसंबर को वेरीफाई हो गया है और इंटर्नशिप के लिए सहमति का मैसेज 5 फरवरी 2022 को आया, 8 फरवरी को सहमति दे दी, बीएड की मार्कशीट भी स्कैन कर दी लेकिन फॉर्म अप्रूव कोई मैसेज नहीं, अब क्या करूँ। हाँ तो ठीक है ना, आपका अप्रूव होगा तब आपको इंटर्नशिप मिलेगी, डाल दिया आपने डिटेल, अच्छी बात है, टेक्निकल कोर्स में यस करके बहुत बढ़िया। जैसे अप्रूव होगा हो सकता है इस महीने आपका अप्रूव हो जाए, उसके बाद आपको डिटेल वो मिल जाएगी जो इंटर्नशिप के लिए मैसेज आ जाएगा। मेरी इंटर्नशिप गांव के सब सेंटर में है तो इसमें सिग्नेचर किसके मान्य होंगे? सब सेंटर मतलब भाई सब सेंटर क्या बोलना चाह रहे हो पता नहीं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, मैंने लास्ट वीडियोज में बहुत सारे नंबर दिए हुए, मेरे जनवरी अटेंडेंस मांग रहा है सोसाइटी में लेकिन मेरे तो जनवरी का पेमेंट आ गया है। हाँ तो ये ऑप्शनल आप मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो पन्ना बनवा के डाल दो, फरवरी का डाल दो लेकिन ठीक है कर दो तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट सिस्टम है, एस एस आई डी पर अपलोड कर दिया तो मेल करना जरूरी नहीं, नहीं मेल ज़रूरी नहीं, आप लोग अगर एस एस एम कर दिया तो मेल ज़रूरी नहीं, लेकिन मेल कर दिया तो एस एस एम ज़रूरी है। इंटर्नशिप वाले बोल रहे हैं कि हमें आगे से ऑर्डर नहीं आया तो उन्हें क्या प्रूफ दें? जिला रोजगार कार्यालय वालों की बात करा दो, कई बार ऐसा होता है स्कूल में लिस्ट नहीं आती है, पहले वो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास आती है, तो आप ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संपर्क करेंगे सर हमारा स्कूल फटाफट से अलॉट करो हमारे आसपास, आप स्कूल बता दें वो अलॉट कर देगा, क्योंकि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने हिसाब से करता है अलॉट, किस स्कूल में डिमांड है। ठीक है, फरवरी का पेमेंट कब तक? मान लो इस महीने की लास्ट तारीख तक या फिर अगले महीने में। स्कॉलरशिप कम कैसे आ रही है? स्कॉलरशिप पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ वैसे, देखेंगे कभी फुर्सत मिलेगी तो। स्कॉलरशिप नागौर कादों का आ गया भाई, फरवरी का आएगा, फरवरी का तो बताया ना इस महीने लास्ट में या फिर अगले महीने में आएगा। बूंदी आ गया है भाई काफ़ी लोगों का। दूसरा अकाउंट कैसे लगाऊं? आप लोग एक बार कार्यालय जाकर आएँ, जिला रोजगार कार्यालय, वहाँ से पर्सनली आप रूबर होंगे तो आपको तसल्ली होगी। ठीक है, और वहाँ पर एप्लीकेशन देना, अपनी बैंक पासबुक की कॉपी वगैरह देना, वो लोग अपडेट कर देंगे। प्रतापगढ़ कब आएगा? कई जिलों के बाकी है भाई, सबके डालेंगे, टेंशन मत। अच्छा आपका स्टॉप हो गया, अगर आपकी गलती नहीं थी आपने ज्वाइन कर लिया तो आप लोग कार्यालय जाकर बोलोगे भाई हमने ऑफलाइन दे दिया था, कलेक्टर के पास शिकायत करोगे हमारी क्या गलती बताओ। फरवरी का जनवरी का प्रूव करना पेमेंट तो आ गया है, ऑप्शनल है भाई, करो तो कर दो, कर दो तो अच्छी बात है, सिस्टम है भाई, नहीं करो तो भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पेमेंट तो आ चुका है, सेंस भी नहीं वैसे करने से। तो किसी और भाई का अपलोड हो गया है तो या दो ऑप्शन है, या तो आप जिला रोजगार कार्यालय कॉल कर लो या फिर आप ऑब्जेक्शन आने का वेट कर लो, मेरे हिसाब से ऑब्जेक्शन बाद में आएगा, आप लोग पहले कार्यालय कॉल कर लें और उनको बोल दें कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है दूसरे का अपलोड हो गया है, तो वो ऑप्शन वापस दे देंगे या फिर आपको बता देंगे कि आप वेट कर लो। वैसे ऑब्जेक्शन देने चाहिए क्योंकि नया सिस्टम है तो लोगों से गलती होती है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि रिजेक्ट वगैरह करेंगे, आपको ऑप्शन देंगे वापस से अपलोड कर सकते हैं। सहमति पत्र नहीं लगा उसमें, यस भी नहीं किया मेरे बंद किया, अब सूचना नहीं है क्या हो सकता है भाई, आपने किया ही नहीं तो 100 किलोमीटर दूर ऑफिस इंटर्नशिप के लिए तहसील में मिल जाएगी, हम मिल जाएगी ना, आप लोग कार्यालय जाकर चेंज करवाओ, कलेक्टर के पास जाना नहीं हो तो एप्लीकेशन देना, करवा देंगे चेंज। छुट्टी का पेमेंट कट होता है क्या? आप अगर छुट्टी लेते हो तो पेमेंट होता है कट, नहीं तो वैसे रविवार वगैरह या गवर्नमेंट छुट्टी उनका कट नहीं होता है, आपने अपनी मर्जी छुट्टी ली वही आप छुट्टी में लिखें, वरना आप वहाँ पर जीरो रखें। ठीक है, और देखेंगे 3 दिन के कमेंट के रिप्लाई इसमें दे दिए, बाकी अगली वीडियो को वेट करें, आप लोग कमेंट करें इस वीडियो में, उसके रिप्लाई आपको दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।